हेलो पेरेंट्स, कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, कहानियाँ माँ बाप भी सुन सकते हैं। कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं पाई जाती, आसपास की बातों से भी कहानियाँ बन सकती हैं। कहानियों में मॉरल होना ज़रूरी नहीं है, कहानियाँ हंसने हंसाने के लिए भी बनाई जा सकती हैं। तो चलिए आज ऐसी एक कहानी बनाते हैं और सुनते हैं आपस में हंसने हंसाने के लिए। गब्बर का नाम तो सुना ही होगा, तो आज की कहानी गब्बर के आसपास। एक बार गब्बर अपने गांव किसी काम के लिए आया, एंड देयर ही एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू हिज स्कूल टीचर। हेलो मैम। ये क्या मतलब हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कहाँ गए वो सारे संस्कार, बोली उसकी टीचर। नमस्ते नमस्ते टीचर। अच्छा हुआ तुम आज मिल गए गब्बर, ये मैं क्या सुनती हूँ बार बार, हर बार पूछते रहते हो कितने आदमी थे। तुम जानते नहीं हो क्या सांबा और कालिया मैथ्स में कितने पुअर थे, 2 से आगे गिनती उन्हें कभी आई थी क्या, 1+1=2, 2+2 पूछो तो रोने लगते थे जोर जोर से। गब्बर चुप। और ये तुम क्या बार बार बोलते रहते हो कि इतनी दूर जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है कि सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर ग्रो अप, तुम समझते क्या हो, क्या तुम ब्रोकली हो, क्या कोई हरी सब्जी हो, क्या पपीता हो, आजकल बच्चे इन चीजों से डरते हैं, तुमसे नहीं। गब्बर चुप। और फिर ये तुम फिर बार बार क्या बोलते रहते हो, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे, क्यों मांगते रहते हो, और ये क्या करोगे इन हाथों का, यू फॉरगॉटन दैट यू कुड नॉट इवन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद योर ओन टू हैंड्स, वो जो तुम्हारा स्क्वायर था ना हमेशा रेक्टेंगल के जैसे लगता था और रेक्टेंगल हमेशा ट्राइंगल के जैसे, सो स्टॉप आस्किंग फॉर ठाकुर्स हैंड, पहले अपनी पिंसर ग्रिप सही करो। गब्बर चुप। और ये तुम हर समय क्या सिर्फ कालिया सांबा, दो ही फ्रेंड्स थे क्या तुम्हारे, सर्कल टाइम में जब बैठते थे कितने सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, सबके साथ झगड़ा कर लिया क्या तुमने, फिर से वही पुरानी आदत छोड़ी नहीं क्या अभी तक गब्बर। गब्बर चुप। एंड देन फिर हर समय जय और वीरू के आसपास पड़े रहते हो, उन्हीं के पीछे, अरे दूसरे हीरो कहाँ गए, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, वंडर वुमन, वो सब क्या तुम्हारे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में नहीं है क्या, उनसे कोई बातचीत नहीं होती क्या तुम्हारी। गब्बर चुप। अभी अगले हफ्ते ना मैं एक एक्स स्टूडेंट की एलुमनाई मीट रख रही हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू कम, टाइम पर आना और हो सके तो अपने मम्मी और पापा को भी लेके आना, आई वांट टू मीट देम, मुझे लगता है तुम्हें फिर से ना नर्सरी में एडमिशन लेनी चाहिए, अभी आ रहा है सीजन एडमिशन्स का, शायद मुझे एक सीट ब्लॉक करनी पड़े तुम्हारे लिए। गब्बर चुप। तो देखा आपने, दिल्ली हो या मुंबई, गब्बर हो या मुन्ना भाई, सही टीचर मिल जाए ना तो सबकी जिंदगी सवर जाती है। सो होप यू एंजॉयड इट पेरेंट्स, ऐसे ही मस्ती भरी छोटी छोटी कहानियाँ रोजमर्रा के किस्से को लेके बनाते रहिए और सुनाते रहिए अपने बच्चों को, हंसाते रहिए और खुद भी हंसते रहिए।